वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको भगवान के निर्वाण दिवस पर चढ़ने वाले शक्कर के लड्डू बनाना बताऊंगी, जो बनाने में बहुत ही इजी है। सिर्फ 5 मिनट में मैं आज आपको ये लड्डू बनाना बताऊंगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शक्कर के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये एल्यूमिनियम के जो मोल्ड आते हैं ना, ये हमने एल्यूमिनियम के मोल्ड लिए हैं। ये यदि आपके पास नहीं है तो आप स्टील की जो प्लेट आती है वो भी ले सकते हैं। इस तरह के आपके पास जो भी सांचे अवेलेबल है आप उसमें बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें इन पे चिकनाई लगानी है, तो घी से हम इनको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने से जो है लड्डू आसानी से निकलेंगे। इस तरह चारों तरफ से हम सभी को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। मार्केट के जो हम लड्डू लेके आते हैं ना, तो बिल्कुल उसमें शुद्धता नहीं आती है। जब हम लड्डू भगवान के चढ़ा रहे हैं तो क्यों ना हम घर के बने हुए लड्डू बनाकर ही चढ़ाएं। मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद अब हम लेते हैं शक्कर। तो मैंने यहाँ पर 3 कप शक्कर ली है। इसको हमें पानी से वॉश करना है। यदि आपके पास कुएं या बोरिंग का पानी है तो आप वो लें, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर के पीने का पानी भी ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम शक्कर को वॉश करेंगे। इस तरह शक्कर में हम पानी डाल लेते हैं और एक पानी से हम इसको इस तरह अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी हमें उतना ही डालना है जितना कि जो है शक्कर अच्छी तरह से डूब जाए। इसमें पानी का कोई नाप नहीं होता है, बस पानी हमें उतना ही डालेंगे कि शक्कर जो है अच्छी तरह से पानी के नीचे रह जाए, बस इतनी ही हम इसमें डालेंगे। अब मैंने इसको गैस पे फुल फ्लेम पे चढ़ा दिया है। आपके पास यदि एल्युमिनियम के मोटे पेंदे की कढ़ाई है तो आप वो लें, नहीं तो आप नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, लगातार हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि शक्कर जो है अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती है। ये देखिए शक्कर जो है मेल्ट होने लग गई है, तो मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को कम कर दिया है। कम फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है और लगातार हम इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, जिससे कि जो है शक्कर आसानी से जो है मेल्ट हो जाए। देखिए ऊपर जो है झाग आने लग गए हैं, इसका मतलब यह है कि चाशनी जो है हमारी गाढ़ी होने लग गई है, थिक होने लग गई है। तो गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर कम ही रखा, कम फ्लेम पे ही मैं इसको पका रही हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें इसको कितना गाढ़ा करना है। ये देखिए अभी थोड़ा ही थिक हुआ, अभी हमें इसको और गाढ़ा करना है। जब ये अच्छा गाढ़ा हो जाएगा तभी हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। आप देख सकते हैं शक्कर जो है गाढ़ी होने लग गई है, थोड़ा सा गाढ़ा हमें इसे भी और करना है। ये देखिए शक्कर गाढ़ी हो गई है, गैस की फ्लेम को जो है मैंने बंद कर दिया। आप देखिए इतनी गाढ़ी हमें इसको रखना है। अब गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी हमें इसको थोड़ा सा और फेंटना है ताकि जो शक्कर जो है ठंडी हो जाए। अभी बंद गैस की फ्लेम में मैं इसको फेंट रही हूँ। फेंटने से ये फ़ायदा है कि जब हम लड्डू बनाएंगे ना तो झटपट जो है हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। यदि हम नहीं फेंटेंगे तो लड्डू को जो है जमने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए शक्कर जो है गाढ़ी हो गई, आप देख सकते हैं। जितना हम इसको फेंटेंगे ना उतनी जो है थिक होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, इसका कलर भी जो है ना वाइट आता जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में। मोल्ड को हमने पहले से ग्रीस करके रख लिया था। ये देखिए फटाफट जो है अब हमें चम्मच से जो है मोल्ड में डालना है। हमें बहुत ही जल्दबाजी करनी है, इसमें हमें देर नहीं करनी है, क्योंकि हम देर कर देंगे तो शक्कर जो है हमारी कढ़ाई में ही जमने लग जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके हमें डालना है। यदि पंखा ऑन है तो आप बंद कर दीजिए, जिससे कि जो है ठंडा ना हो। इस तरह सभी मोल्ड में हम डाल देंगे, जितने आएंगे उतने हम भर लेते हैं। ये देखिए सभी को मैंने भर दिया है। 5 मिनट के लिए हम इनको ठंडा होने देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब 5 मिनट हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए इसको अब हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम नाइफ की मदद से इसको ऊंचा करेंगे और ये पूरा निकल आएगा इस तरह। और बिल्कुल देखिए कितना अच्छा जो है हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है, कितना अच्छा शेप आया है। साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह हमें सभी लड्डू को निकालना है। ये देखिए एक और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। छोटा बड़ा जो भी साइज आप इसको जमाना चाहें वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे और बड़े दोनों ही साइज के बनाना बताया है। साथ ही साथ यदि आपके पास मोल्ड नहीं है तो सांचे में आप कैसे बनाएंगे प्लेट में, तो वो भी मैंने इसमें बताया। आप देखिए इस तरह हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए बड़ा वाला भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, कितना अच्छा जो है हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है।
इतने बड़े मोल्ड में भी आसानी से निकल जाता है। इस तरह हमें सभी को निकाल लेना है। आप देखिए सारे लड्डू हमने निकाल लिए हैं और कितने अच्छे लड्डू जो है हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब इन्हें हम किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह आपके घर में जो भी सामान हो अच्छा सा, उस पर आप रख दीजिए लड्डू को। जैसे चाहे आप इसको डेकोरेट करके भगवान के निर्वाण दिवस पर आप चढ़ा सकते हैं। कुछ भी आप लाइटिंग करके या डेकोरेट दिए से, जैसे आपकी इच्छा हो आप करके उन भगवान को समर्पित कर सकते हैं लड्डू को। इस तरह लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल 5 मिनट में हम इसे घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इनको बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसकी हमें गाढ़ी चाशनी बनानी है। जितनी गाढ़ी और ठीक बनेगी उतने ही लड्डू जो आसानी से निकलेंगे। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी हमें 5 से 7 मिनट तक इसको फेंटना है ताकि जो है लड्डू आसानी से जम जाए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।